गामड़ी के कुएं में किशोरी व युवक के शव मिलने से फैली सनसनी। केलवाड़ा थाना प्रभारी मुकेश सोनी ने बताया कि गामड़ी से 21 फरवरी को 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने पर उसके पिता ने केलवाड़ा थाने में 22 फरवरी को रिपोर्ट दी थी। इस बीच शुक्रवार को गामड़ी गांव के ही एक कुएं में शव होने की सूचना पर केलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाए तो शव उसी किशोरी का था जो लापता हुई थी और उसके साथ में एक युवक का शव भी मिला जो भी उसी गांव का रहने वाला है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। पुलिस ने केलवाड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए। बताया कि कथित तौर पर किशोरी व युवक आपस में धर्म के भाई बहन थे मगर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच में जुट गई है। गामड़ी गांव के एक नाबालिग बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी जिस पर उसकी तलाश शुरू की गई। आज सुबह 11 बजे के करीबन फोन पे सूचना मिली कि उसी गांव में ही दो व्यक्तियों की लाश कुएं में पड़ी है जिस पर वहां मैं जाप्ता गए, दोनों लाशों को बाहर निकाला तो एक लाश उसी गुमशुदा बच्ची की थी और एक लाश उसी गांव के उसी जाति के पुरुष की थी। तो दोनों को ही लाश गांव की सहायता से बाहर निकाल के मोर्चरी में रखवाई है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जैसी कानूनी स्थिति बनेगी वैसी आगे कार्रवाई की जाएगी।